जय माता दी। आप देखते होंगे कई ज्योतिषी कुंडली देखते हैं और बिना कुछ बताए ही वह फलित बड़ा अच्छा बता देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है उनके अनुभव। और अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? यह ज्योतिषी सूत्र हैं फलित के, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए साझा करने के लिए ज्योतिष के कुछ सूत्र फलित के लिए, जिससे आप फलित बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। और यह सूत्र मेरे तो आजमाए हुए हैं और मेरे अनुभव किए हुए हैं, साथ ही यह बहुत से विद्वान ज्योतिषियों द्वारा भी आजमाए हुए हैं। मैंने उनकी कलेक्शन भी इसमें शामिल की है, इसलिए यह संभव नहीं है कि यह एक वीडियो में मैं आपको सारा बता सकूं। तो इसके लिए दो तीन वीडियो तो आपको देखनी पड़ेंगी। यह सूत्र इतने अच्छे हैं, इनको आप नोट करते जाइएगा और वीडियो को आप अंत तक देखिए। और यह ज्योतिष के सूत्र जिन विद्वानों से के भी हैं, मैं उन विद्वानों को, हालांकि कई विद्वान इसमें ऐसे हैं जो मेरे से आयु में बहुत छोटे हैं और कई बड़े भी हैं, लेकिन विद्या बहुत बड़ी होती है। मैं सभी उन विद्वानों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशा है मेरा प्रणाम उन तक पहुँचेगा और मैं उनके दिए हुए सूत्र और अपने सूत्र भी मिलाकर आपको दूंगा। और विद्या है, इसे फैलाना चाहिए, जितना अधिक फैलेगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो आइए इन सूत्रों को आप नोट करते जाइए और इन सूत्रों को आप कुंडली खोलिए अपनी या अपने किसी रिश्तेदार की, जान पहचान वाले की कुंडली देखिए कि कुंडली में ये भाव कैसे हैं, कहाँ हैं, और उनके आधार पर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनका अनुभव। पहला सूत्र बताने जा रहा हूँ, यदि आपका जन्म कुंडली में लग्नेश जिस भाव में बैठा है और उस भाव का भावपति, यानी कि जिस भाव में लग्नेश बैठा है, आप जानते होंगे लग्न जो है पहला भाव लग्न का है, और उसमें जो भी राशि है लग्न की, जो भी राशि आई है उसका जो राशि का स्वामी है, मालिक है ग्रह जो, वह यदि किसी दूसरे भाव में जाकर के बैठा है और उच्च का होकर के वह बैठा है, और उसमें यदि उस जिस भाव में वह बैठा है उस भाव का मालिक भी वहीं बैठा है, वह किसी और जगह नहीं बैठा, किसी और स्थान पर नहीं बैठा, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जान लीजिए। यदि वह भाव का मालिक भी वहीं बैठा है और लग्नेश भी वहीं बैठा है, तो ऐसा जो योग बनता है, इस योग को एक हम कह सकते कल्प वृक्ष की तरह या कामधेनु गाय की तरह फल देने वाला, वह जातक कुछ भी चाहेगा अपनी लाइफ में वह कर पाएगा, उच्च पदों पर नियुक्त होगा, उसकी पदोन्नति भी होगी और वह जातक बड़ा ही सौभाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली होगा और वह जो भी चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यह पहला सूत्र आप नोट कर लीजिए कि जिस भाव में भी लग्नेश बैठा है, लग्न का जो मालिक है वो बैठा है, और उसमें जिस भाव में बैठा है उस भाव का भावपति, यानी उसका भाव का मालिक भी बैठा है, ऐसे जातक के लिए। आइए अगले सूत्र पर चलते हैं। कुंडली में जातक के जन्म लग्न को एक से अधिक शुभ ग्रह देख रहे हो, जन्म लग्न जो है उसको एक से अधिक शुभ ग्रह देख रहे हो, और वह यदि केंद्र के में बैठे हो, केंद्र क्या है, 1, 4, 7 और 10 केंद्र में बैठे हो एक से अधिक शुभ ग्रह, अथवा त्रिकोण में, त्रिकोण क्या है, 1, 5 और 9
यह भाव त्रिकोण के कहलाते हैं, इनमें बैठे हों, वह देख रहे हों एक से अधिक, एक नहीं एक से अधिक शुभ ग्रह देख रहे हों, तो वह जातक जीवन में जो चाहेगा वह बन सकता है, जीवन में जो पाएगा पाना चाहे पा सकता है, उसको धन वैभव आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी उस, क्योंकि ऐसा जातक बहुत ही सौम्य बहुत अच्छे स्वभाव का होता है और बड़े अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। वह अपनी ओर जातक सबको आकर्षित करता है, जो आकर्षित करता है व्यक्ति वह व्यक्ति सबका प्यारा होता है, ऐसा जो सबका प्रिय होता है वह सब कुछ पाने में भी सफल होता है। और इसके विपरीत यदि इन भावों में क्रूर बैठे ग्रह बैठे हैं, केंद्र के भावों में 1, 4, 7 और 10 भाव में यदि क्रूर भाव बैठ ग्रह बैठ करके नीच ग्रह बैठ करके और लग्न को देख रहे हैं तो इसका उलट होगा, ठीक इसका उलट होगा, वह जातक क्रूर स्वभाव का होगा, मधुर स्वभाव का नहीं होगा, इसके विपरीत होगा, उसका स्वभाव भी क्रूर होगा, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, वह देखने में भी आकर्षक नहीं होगा, किसी को आकर्षित नहीं कर पाएगा और काम काज वगैरह के लिए भी जूझेगा, उसको बहुत जूझना पड़ेगा, हर बात के लिए चिड़चिड़ापन होगा, कुछ बीमारियों से भी ग्रस्त होगा यदि क्रूर ग्रह केंद्र में, केंद्र के चारों भाव 1, 4, 7 और 10 इसमें बैठकर क्रूर ग्रह देख रहे हों, अथवा त्रिकोण में, त्रिकोण क्या है 1, 5 और 9 भाव में, तो ऐसा जातक उलट प्रभाव में पड़ता है। आइए अगले सूत्र एक देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बुध के बारे में, बुध को एक बालक ग्रह के बारे में के लिए देखा जाता है, जैसे चंचल बालक और चंचल मन का, क्योंकि बुध हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, इसको हरा रंग प्रिय है, यदि बुध उच्च का होकर के और लग्न में बैठा है, बुध का उच्च का होकर के लग्न में बैठा है या केंद्र में उच्च का होकर लग्न को देख रहा है, तो ऐसा जातक लेखक गणितज्ञ कवि और ज्ञान अर्जन करने वाला पंडित ऐसा बनेगा और बहुत मधुर बोलने वाला होगा, संयम वाला होता है, चंचल होता है, उसमें किसी एक विषय में पारंगत होने की योग्यता तथा दूसरों के प्रति वह प्रोत्साहित रहता है, एक में तो वह पारंगत होगा लेकिन उसे और भी विषयों में ज्ञान अर्जित करने का उसके मन में कौतूहल जागा रहता है बुध के प्रभाव से, क्योंकि बुध का प्रिय रंग हरा है इसलिए वह प्रकृति से भी प्रेम करने वाला और हरियाली को पसंद करने वाला होता है। अब आइए अगले सूत्र के बारे में, इन सूत्रों को आप नोट करते जाइए, यदि आपके सामने कुंडली है तो उस कुंडली में देखिए कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, यदि बन रही हैं तो उस पर देखिए और उनका फलित कीजिए। और जिन जो ज्योतिष सीख रहे हैं मेरे से, मेरी विनती है कि मेरी पिछली वीडियो, मैंने काफी दिनों बाद आज वीडियो बनाई है, इसी कारण वीडियो देर से बना रहा हूं कि मैंने पीछे आपको कुंडली निर्माण की वीडियो बना रहा था और वह मैं समझा रहा था, लेकिन उसमें मेरे व्यू बहुत कम आ रहे थे, लोग बहुत कम देख रहे थे, हालांकि मेरे सब्सक्राइबर काफी हैं, उस हिसाब से मेरे वीडियो नहीं दिख रहे थे, या तो मेरे समझाने में कमी है या हो सकता है वीडियो में टेक्निकल कमी हो,
या आपकी रुचि ना रही हो, लेकिन रुचि आपको कुंडली निर्माण के कार्य में भी रखनी पड़ेगी और उन वीडियो को देखना पड़ेगा यदि आप एक अच्छा ज्योतिष बनना चाहते हो। और मेरा विचार यह है कि आप सबको ज्योतिष का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए, यह हमारी परंपरा है और यह हमारे सनातन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो पिछली वीडियो मेरी अवश्य देखते रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए और साथ में बेल आइकॉन जो है नोटिफिकेशन वाला उस पर ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अगले सूत्र के बारे में जानते हैं। अगला सूत्र है 12वें भाव में यदि गुरु व बुध की युति हो। 12वें भाव में यदि गुरु व बुध की युति हो अथवा बुध व चंद्र की युति हो तो जातक प्रख्यात ज्ञानवान एवं परोपकारी होता है, परोपकार करने वाला होता है, दूसरों के कार्यों में जुटने वाला, सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला, साधु प्रवृत्ति का बड़ा ज्ञानवान और अपना ही भला नहीं सोचता वह दूसरों का सोचता है और दूसरों के भले के कारण वह धन भी अपना जो है दूसरों के भले में लगाता है, अपनी कमाई को भी दूसरों के भले में लगाता है, इस कारण वह धन से परेशान रहता है ऐसा जातक। लेकिन नाम और वैभव उसका बहुत होता है, नेतृत्व की क्षमता उसमें बहुत होती है, लोग उसका आदर और सम्मान करते हैं ऐसे जातक का, जिसका कि यह युति होती है कि 12वें भाव में गुरु और बुध की युति हो अथवा बुध के साथ चंद्र की युति। यह आप कुंडली में अवश्य देखिए। अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। लग्न भाव, लग्न पर यदि धन भाव की स्वामी की दृष्टि हो, जो धन का भाव है उसके स्वामी की यदि दृष्टि हो तो ऐसे जातक को ये ध्यान रखिए, बहुत ये आपको फलित जिसकी कुंडली देख रहे हैं यदि उसमें है तो आपको उसको यह जरूर बता देना चाहिए उसके फायदे के लिए। आपका यजमान जो है जो कुंडली दिखा रहा है उसके फायदे के लिए यह बहुत जरूरी चीज है। यदि जातक के लग्न को धन भाव देख रहा है, ऊंच होकर के धन भाव देख रहा है, उसमें जो भी ग्रह है धन भाव में उसका स्वामी देख रहा है, धन भाव का मतलब है धन भाव के अंदर जो भी ग्रह ऊंच का होकर के देख रहा है, तो ऐसे जातक को अचानक से धन प्राप्त होता है। अब अचानक से पहले तो गड़े धन की प्राप्ति का प्रावधान था, आजकल गड़ा धन मिलता कहाँ है, लोग खुदाइयां बहुत कम मिलते हैं करते हैं, आजकल अचानक धन की प्राप्ति के और भी कई तरीके हैं जैसे लॉटरी सट्टा आदि हो गया, तो उसको यह बताना चाहिए कि तुम लॉटरी में भी धन लगा सकते हो और आजकल ट्रेडिंग का सिस्टम है जैसे उसमें जो ट्रेडिंग आप जानते होंगे जो इससे संबंधित काम करते हैं, तो उसमें इस टाइप के कई कार्य हैं, मैं नहीं जानता हूँ उनके बारे में, तो इस टाइप के कार्य में यदि वह पैसा लगाता है तो उसको उसमें लाभ हो सकता है अचानक से, उस वह सोच भी नहीं सकता कि मेरे को इतना लाभ हो जाएगा। तो ऐसे जातक को आप अवश्य बताइए कि आप अचानक जिसमें धन की प्राप्ति हो उसमें थोड़ा बहुत धन अवश्य लगा के देखिए, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये आपने नोट कर लिया कि यदि जातक को जो है जातक के लग्न को धन भाव का स्वामी देख रहा हो तो ऐसा होता है। आइए अगले सूत्र के बारे में चलते हैं। यह सूत्र बहुत से हैं और इन सूत्रों पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आप फलित कथन में, क्योंकि यह बहुत से विद्वान लोगों के और अजमाए हुए और मेरे तो निजी अजमाए हुए हैं ही,
सूत्र। तो आप भी इन पर कार्य कीजिए और फलित कीजिए। यदि किसी राशि में कोई ग्रह उच्च का होकर स्थित हो लेकिन उस राशि का स्वामी नीच अथवा अस्त होकर 6, 8 और 12 घर में बैठा है, किसी भी राशि का स्वामी उच्च का है, उच्च राशि में स्थित है, यदि किसी राशि में कोई ग्रह उच्च का है, वह तो ग्रह तो उच्च का बैठा है लेकिन उस राशि का स्वामी, ग्रह अलग बात है, उस राशि का जो स्वामी है वह अलग होगा, उस राशि का स्वामी निम्न घरों में बैठा है, किन घरों में, 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पर स्थित हो, 6, 8, 12 भाव। ध्यान रखिए कि उस राशि का जो स्वामी है वह 6, 8, 12 भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में उच्च राशि ग्रह, उच्च राशि का ग्रह जो है, यदि वो उस घर में बैठे, वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, चाहे वह कितना भी उच्च होकर बैठे, उसको वह अपना जो उसको फल देना चाहिए, उसको जो जातक के लिए करना चाहिए वह सब वह नहीं कर पाएगा। वह बुरा तो नहीं करेगा लेकिन अपने पूरे फल नहीं दे पाएगा। बल्कि यदि उस घर को नीच राशि के नीचस्थ या अस्त ग्रहों के से दृषित है तो वहां उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। तो यह थे कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताए, आपको शेयर किए। अभी बहुत सारे सूत्र हैं जो आपसे मैंने शेयर करने हैं, बहुत बताने हैं। तो मेरी आप से निवेदन है कि आप वीडियो देखते रहिए और जो पिछली वीडियो हैं उनको देख करके आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वाकई में ही इच्छुक हैं, तो आप उन पूरी वीडियो को अवश्य देखिए। इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता।